नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल। दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित कोई भी नया रिक्रूटमेंट आता है किसी भी राज्य और किसी भी शहर का, तो उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते रहते हैं। दोस्तों, आज 14 जुलाई की बहुत ही बड़ी भर्ती आ चुकी है आपकी, खुशियां मनाओ। योग्यता की बात करें तो यहाँ आपकी योग्यता 8वीं और 10वीं पास की गई है। पदों की बात करें तो 3000 पदों पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। आयु की बात करें तो आयु आपकी 18 से 40 वर्ष के लगभग है, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपका वेतन है वो 18,000 रुपये इस बार मिलने वाला है। स्थायीकरण के साथ में पहली भर्ती आपकी होने वाली है जो आपको स्थायी एकदम आपको ये नियुक्ति यहाँ पर आपको मिलने वाली है। दोस्तों, सारी चर्चा आज इस वीडियो में करने वाले हैं कि आपकी भर्ती है उसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, लास्ट डेट कितनी है, साथ में कितने रुपये का आपका चालान होने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर जरूर बने रहिए, के साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पाने के लिए दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से किसी भी राज्य और किसी भी शहर के कोई भी रिक्रूटमेंट आए तो उसकी जानकारी आपको अपडेट होती रहे। तो चलो दोस्तों, देखते सारी जानकारी। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हो आज की न्यूज है, मैं बता देता हूं 13 जुलाई की मतलब कल रात की ये दोस्तों न्यूज है। यहां आप देख सकते हो ICDS 2019 आंगनबाड़ी में निकली 3000 पदों पर बंपर भर्ती, अपने जिले में पाए नौकरी करने की बहुत ही अच्छी यहां पर आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। मतलब आप अपने जिले में भी यहां नौकरी कर सकते हो। उसके अलावा मैं बता देता हूं दोस्तों आपकी वैकेंसी है, तो कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो यहां आप देख सकते हो ICDS रिक्रूटमेंट 2019 महिला एवं बाल विकास विभाग ने समेकित बल विकास परियोजना के अंतर्गत 3000 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली है। मतलब दोस्तों, बहुत ही बड़ी भर्ती इस बार आपकी आ चुकी है। इस वैकेंसी के माध्यम से आप बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी निरीक्षण हेतु सुपरवाइजर की भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए सिर्फ महिला ही आवेदन कर सकती है। अगर न्यूनतम उम्र की बात करें तो 21 साल से लेकर 45 साल तक की महिला इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकती है। साथ में आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है, मतलब किसी प्रकार का आपको आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बिना आवेदन शुल्क आप नौकरी कर सकते हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 25 जुलाई 2019 है, लास्ट डेट है आपकी। इसके अलावा दोस्तों, मैं बता देता हूं तो आप पदों के नाम का अगर विवरण बात करें तो यहां लेडी सुपरवाइजर के 3034 पदों पर यह भर्ती निकाल गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्था यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया होना अनिवार्य है। 12वीं पास के लिए राज्य ने खोला नौकरियों का पिटारा, इस विभाग में 5000 पदों पर वैकेंसी। तो यहां देख सकते हैं आपके साथ में 5000 पदों पर एक नई भर्ती भी आ चुकी है। मैं बता देता हूं सैलरी की बात करें तो यहां चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति बिहार में होगी और प्रति महीने आपको सैलरी है वो 12,000 रुपए यहां दी जाएगी। नौकरी करने का स्थान बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में नियुक्ति की जाएगी। ऐसे करें आवेदन। आपको आवेदन कैसे करना है दोस्तों, मैं बता देता हूं। इच्छुक महिलाएं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वहां ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका चयन उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मतलब यहां पर आपका रिटर्न नहीं होने वाला है, मात्र मेरिट लिस्ट के आधार पर यहां आपका चयन है वो होने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी और बड़ी एक खुशखबरी है कि आपकी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित एक नई भर्ती आ चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित कोई भी नया रिक्रूटमेंट आएगा तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।